going to Dania Nights. तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, तो सेमेस्टर के साथ मैं डानिया खेलने जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको ये गहरा ये पहन के खाता हूँ। मैं इसके ऊपर पहनूंगी, ये बहुत छोटा है। ये क्या कर रही हो? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ गरबा खेलने, जिसके लिए मैंने ये चुटिया उटिया को ढेर सारा बांधा है। तो मैं क्या पहनने वाली हूँ बताती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, ब्लैक कलर की है। पहन के देखती हूँ, पहले ट्राई कर लूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है चलो। और ये है ज्वेलरी, ज्वेलरी मैंने मंगाया था अभी जल्दी, तो चलो पहन के देखते हैं। जैसे कि पूरा दिखा दो, आना तो ये। अरे मेरा दिखा पूरा, नीचे दिखा पूरा, ये सब एक फोटो खींचो। तो ट्राई करके मैंने देख लिया, ये भी निकाला था मैंने, इसका भी फोटो लगा दूंगी, देख लीजिएगा। तो कंफ्यूज हूँ कौन सा पहनूं, साड़ी है ये, मेरा दिखा दो। तो अभी पहले कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है, 11 बजने वाला है। ये देखिए, तो बिस्किट खाते हैं। मम्मा दिखा दो मेरा फाइनल लुक नीचे। मुझे लगा ऐसे नॉर्मल बिस्किट होगा, लेकिन ये तो ओरियो को भाई बहन निकला। ओरियो की बहन रख ली, बहन हो चाहे भाई हो, ओरियो की तरह लगता है। लो तो कपड़े तो सिलेक्ट हो गए हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बहुत कंफ्यूज थी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर खाना बनाया, और भी जो काम था जल्दी जल्दी करके, फिर यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह बना के फेस पैक मैंने लगा लिया है, क्योंकि फेस एकदम गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि शाम को डांडिया नाइट में जाना था। तो यहाँ पे सूख भी गया फेस पैक, इसको निकालते हैं फिर रेडी होते हैं। तो अनाया को मैंने सुला दिया है, क्योंकि शाम को इंजॉय करना रहेगा, तो अगर थकी रहेगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए उसको फिर सुला वुला के खाना वाना खिला के फिर और भी जो काम है रेडी होके मिलते हैं। चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, तो साड़ी वगैरह मैंने पहन लिया है, बस बाल बाल धुलते बाल वगैरह इसको निकालते हैं और हेयर स्टाइल वगैरह करके मिलते हैं। तो सारा खुल गया है, कैसा लग रहा है जरूर बताइए। तो करते हैं बनाया खुद रेडी। देखिए सही है।
तो रेडी हो गए और चल रहे हैं। अब क्या कर रही हो? कन्हैया भी रेडी हो गई है। तो रेडी तो हो गए हैं। यहाँ पे ना पता क्यों घबराहट हो रही थी, मतलब इतना कुछ पहन के बाहर निकलना और बाइक से जाना, ओ माय गॉड, बहुत अजीब लगता है। मतलब कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। चलोगी? चलो तैयार हो गए, चलो जा रहे हैं, बाय बाय। तो हम आ गए हैं पुल पे और ये देखिए शाम का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, सामने से तो और अच्छा लग रहा था। तो अब हम पहुंच गए हैं बाइक बाग। यहाँ पे अनाई के पापा बोले चलो यहाँ पे दर्शन करवा देते हैं पहले, फिर चलते हैं, क्योंकि रात में आते टाइम लेट हो जाएगा, मतलब 12 के ऊपर हो ही जाएगा तो हो नहीं पाएगा मतलब दर्शन वगैरह। तो इस टाइम यहाँ पे दिखाते हैं फिर चलते हैं। तो सबसे पहले बोले कुछ खा पी लो क्योंकि रात हो जाएगा, तो अकेले मुझे रहना था, अना के पापा मतलब छोड़ के चले आने वाले थे। तो यहाँ पे कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन हम लोग मना कर दिए थे कि नहीं खाना पीना है, क्योंकि रेडी होके ना कुछ खिलाता पिलाता नहीं, इसलिए फुल्की वगैरह बस लाने लगे, बोले नहीं कुछ खा पी लो। दोनों डांट खा गए। तो यहाँ पे खाते पीते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ पे ना फुल्की बहुत बड़ी बड़ी और भर भर के पानी खिला रहा था एकदम अजीब तरीके से, तो मैंने कहा पहले छोटा फुल्की खिलाओ और पानी कम। तो खाते पीते हैं फिर दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फुल्की वगैरह खा लिए हैं, अब हम चलते हैं दर्शन करने और आपको भी कराते हैं। तो चलिए बने रहिए। तो दर्शन कर लिया है, अब चलते हैं भाभी के घर, वहाँ से जाएंगे डांडिया नाइट में। तो यहाँ का कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं जो स्टॉल वगैरह लगा हुआ था खाने पीने का। तो अब चलते हैं भाभी के घर। तो रास्ते में दिख रहा था लाइट वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये इसका भी वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके बाद ना अभी लाइट का शो एक और बहुत अच्छा लगता है, ये वाला मतलब हाँ इसके बाद का बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें ना बहुत सारी डिज़ाइन थी, हम लोगों ने तो मतलब सामने से देखा बहुत अच्छा लगा, वीडियो में उतना मज़ा नहीं आया, मतलब थोड़ा सा ही बना, ये वाली अच्छी लग रही थी कलरफुल वाली। और इसके बाद भी बहुत सारी मतलब डिज़ाइन थी, मस्त लग रहा था, मतलब मज़ा आ गया था देख के। तो चलिए बने रहिए। तो मैं आ गई थी भाभी के घर और यहाँ पे रथ जा रहा था घर के सामने से ही, तो मैंने कहा चलो ऊपर से ये भी दिखाते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब रेडी होके मिलते हैं रास्ते में। तो हम लोग घर से निकल गए हैं, आ गए हैं रास्ते में और चल रहे हैं डांडिया नाइट में। तो कैसे लग रहे हैं सब लोग जरूर बताइए। तो इसके बाद का ब्लॉग आपको जाएगा पार्ट टू में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।